हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनसी के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, यानी कि क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने जरूरी हैं डीएनसी के बाद। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि डीएनसी के बाद आपको क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं। तो सबसे पहली बात, अगर जब तक आपको ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती, आपको ब्लीडिंग 7 दिन चल सकती है, यानी कि 1 हफ्ते चल सकती है, 2 दिन हो सकती है, 3 दिन हो सकती है, तो डीएनसी करने के बाद जब तक आपको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती, आपको इंटरकोर्स करने से बचना है, यानी कि संबंध बनाने से बचना है। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपकी डीएनसी हुई है उस दिन आपको पतला खाना लेना है, जैसे लाइक खिचड़ी ले सकते हैं, पतला दलिया ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। जिस दिन डीएनसी हुई है उस दिन आपको पतला खाना खाना है, आपको हार्ड कोई भी चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि आपको जो है एनेस्थीजिया लगा होता है तो उसका नशा होता है, तो उसके वजह से आपको उल्टी ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए, तो इस वजह से आपको पहले दिन आपको जो है पतला खाना खाना है, दलिया हो गई, दाल हो गई, पतली खिचड़ी हो गई। दूसरे दिन से आप जो है नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं, जैसे आप डेली खाते थे रोटी चावल दाल, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी 1 हफ्ते के लिए डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी हैं, आपको पेन किलर दी हैं, वो ज़रूर आपको समय पे लेनी है। एंटीबायोटिक आपको इन्फेक्शन होने से बचाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं, तो इन्फेक्शन से बचाएगा। और पेन किलर भी आपको लेनी है समय पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इन दवाइयों को आपको कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा बात आती है रेस्ट की। रेस्ट की आपको 1-2 दिन तक करना है, जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि मतलब जब तक कि आपको वीकनेस फील हो रही है तब तक आपको जो है रेस्ट करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको लग रहा है कि आप काम कर सकती हैं तो 3रे दिन से आप घर का जो डेली काम करती थी वो कर सकती हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी आपको। अगर आपको वीकनेस ज़्यादा है, आप ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उस केस में आप रेस्ट को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात एक और ये है कि कई लोग जो है सोचते हैं कि हमारी डीएनसी हुई है कुछ दिन पहले ही तो हम जो है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं लेंगे तो जो है बच्चा नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको बच्चा लग सकता है, आपके जो ओव्यूलेशन है वो शुरू हो जाती है, यानी कि आपके पीरियड 1 महीने में आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन भी आपका टाइम पे हो जाएगा। तो इसलिए कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, जैसे आप अगर पहले दवाइयाँ लेते थे 21 दिन वाली कंटिन्यू करनी है, या फिर आप कॉन्डम का उपयोग करते थे तो वो कंटिन्यू रखना है, यानी कि कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको रखना ही रखना है। ये नहीं सोचना है कि हमारी डीएनसी अभी अभी हुई है तो हम जो है अभी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, तो बिल्कुल चांसेस होते हैं, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना ही करना है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे हमें कॉमेंट में लिखें, कोई सवाल है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।